Friends, now we are going to discuss the major part of the topic, that is metallurgy. So let us start with the first major point. Iske steps kya kya hote hai. So this is the earth's crust. Ye hua apna earth crust. Okay? Aur yaha pe kahi pe abundance mein कोई तो एक मेटल है इन इट्स रिएक्टेड फॉर्म. तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. दिस मेटल इज हाईली रिएक्टिव सो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी मेटल ऑक्साइड. दैट मीन्स स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इट इज हैविंग बेसिकली मेटल ऑक्साइड. ओके सो नाउ दिस मेटल ऑक्साइड इज हैविंग सर्टन थिंग्स विद हिम. तो ये पूरा चीज जो है ना उसको मैं बोलूंगा मिनरल, उसको मैं बोलूंगा मिनरल. सो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा बेसिकली मेटल ऑक्साइड प्लस दूसरा कोई तो मेटल ऑक्साइड जो मुझे नहीं चाहिए प्लस उसमें होगा अर्दन पार्टिकल्स. इस अर्दन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं गैंग, उसको हम बोलते हैं गैंग. सो बेसिकली ये हुआ मेरा मिनरल. सो दिस मिनरल इज नथिंग बट एमओ विच आई वॉन्ट एंड दिस इज एमओ स्टार, ये ज्यादा बेटर रहेगा, जो मुझे नहीं चाहिए और ये है गैंग. सो बोलते क्या है, मैंने माइनिंग किया, दैट माइनिंग एक्टिविटी इज ओवर हियर और इसके अंदर एक मेटल है बट वो कंबाइंड फॉर्म में है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है, उसके साथ और भी कोई तो मेटल ऑक्साइड हो सकता है. Plus, he is also going to have some earthen materials with it. That is the sand, soil, rocky materials. That is known as gang. So, this thing is your mineral. But, agar main isme se profitable extraction karu. Profitable extraction karu. Then I get something known as a new term for it. That which is called as mineral ore, then it is called as mineral ore. So let us see, agar mujhe yahan se profitable extraction karna hai to sabse pehle mujhe kya karna hoga. So I have to follow certain steps, I have to follow certain steps. Sabse pehle main iska dhulai karunga. Dhulai means I will use high pressure water, I will use some hydraulic systems, I will use some gravitational systems, I will use some magnetic separations, I will basically do nothing else but concentration of ore. मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करूंगा. सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करूंगा तो ये अर्दन गैंग मटेरियल्स निकल जाएंगे. तो ये माइनस हो गया, अभी मेरा एमओ और एमओ बच गया. सो उसके बाद मैं उसके पास करूंगा केमिकल रिडक्शन. मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, केमिकल रिडक्शन करूंगा. जो ये केमिकल रिडक्शन होता है, दिस केमिकल रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. दैट मींस एमओ विल बी रिएक्टेड विद द सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू रिमूव दिस ऑक्सीजन एंड गिव मी माय एम. सो मुझे मेरा एम मिला. अभी एम जो मिला है उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटीज होंगे, तो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज करने के लिए आई विल डू समथिंग नोन एज रिफाइनिंग. आई विल डू समथिंग नोन एज रिफाइनिंग and then I will be doing a very important activity because metals are highly reactive. So metal ko main exposed nahi rakh sakta hai. So I have to do a very important activity, nahi rakh sakta hu, to main karunga alloying. So these are the steps which are involved in a unique process known as metallurgy. Now students, hum log discuss karenge. So we are going to now see the first major point, that is concentration of ore. So concentration of ore study करने के लिए I have four answers over here. मेरे पास चार answers है. So I can do concentration of ore by four ways. The first way is by using the method of gravitation. I will use ग्रेविटेशन, मतलब वेट में यूज करूंगा. जो ओर होगा ना उसका वेट यूज करके मैं सेपरेशन कराऊंगा. सेकेंड मेथड विल बी अ वेरी इजी मेथड फॉर अस, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. इट विल बी मैग्नेटिक सेपरेशन.
थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट नोन एज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. एंड फिफ्थ एंड द फोर्थ वन इज वेरी ईजी, दैट इज योर लीचिंग प्रोसेस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द ग्रेविटेशन. तो इसमें दो ऑप्शन है मेरे पास. ऑप्शन ए है विद रिस्पेक्ट टू द विल्फ्लीज टेबल. बेसिकली ये टेबल इज हैविंग अ कंटिन्यूस वाइब्रेशन. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस वाइब्रेशन होते हैं. इन दिस वाइब्रेशन द हैवी पार्टिकल्स एंड द लाइट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड. सो इट डज अ सेपरेशन ऑफ हैवी एंड द लाइट पार्टिकल्स. हैवी पार्टिकल्स में नॉर्मली यू विल बी हैविंग ओर, इसमें क्या रहेगा अपना मेन ओर होगा. And light particles will be having gang. Light particles will be having gang, which will be getting removed because of the vibrations of the table. This is as good as the way we try to clean our grains. हम जैसे grains को साफ करने की कोशिश करते हैं या फिर rice को wheat को साफ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम continuous vibration करके वो चालनी में से कचरा निकलते हैं. Exactly वैसे ही होगा Wilfley's table के पास when you are trying to remove the gang particles from over here. Okay, the second method is a more easier method, जिसमें मैं use करूंगा hydraulic pressure. So when I use hydraulic separation method, in this particular method, एक typical tank use करते हैं, which is actually you can see such tanks in the normal flour mills. वैसे ही tank होगी, but एक So I'm just drawing this for explanatory purpose. So यहाँ पे एक टैंक है और नीचे से जेट स्ट्रीम आ रहा है. जेट स्ट्रीम का मीनिंग होता है वेरी हाई प्रेशर वाटर, बहुत हाई प्रेशर वाटर होगा. और ऊपर एक हुपर होगा. हुपर, हुपर मीन्स इनलेट होता है. फ्रॉम दिस इनलेट ओर विल बी एडेड. इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, ओर विल बी एडेड. जैसे ही ओर एड होगा, ओर में से दो पार्टिकल्स बाहर आएंगे. One will be the heavy particle and one will be the lighter particle. जो heavy particles होंगे ना students, वो नीचे की ओर आएंगे और जो light particles होंगे वो वहीं से ऊपर से निकल जाएंगे in a form of कचरा. So that कचरा is nothing but gang. इसीलिए यहाँ पे एक outlet होता है for removal of gang और यहाँ पे एक outlet होगा for removal of ore. So यहाँ से ore बाहर आएगा और यहां से गैंग बार आएगा. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज द गैंग इज नथिंग बट द लाइटर पार्ट. सो ये है गैंग ओवर हियर. सो जो प्रेशर से, ये जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर से क्या हो गया और ऊपर क्यों चला गया, वो अल्टीमेटली बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया. वेर एज दी ओर जो था वो बहुत हैवी था, वो वेट की वजह से सेटल हो गया. हेंस इसका नाम है ग्रेविटेशन. And that's how you separated gang. So are you understanding concentration का meaning है gang का removal. Now magnetic separation की बात करते हैं. In magnetic separation students, the ore जो होता है that should have some magnetic properties. ये जो magnetic properties exhibit करेंगे, that particular substance can only be concentrated by using magnetic separation. So exactly kya hoga, there will be two rollers. Maine purposely black kiya hai because jo black wala hai wo magnetic roller hai. So this is your magnetic roller aur ek conveyor belt hoga. Ye belt aise ghum raha hai aur yaha pe hai addition of your ore. यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, ओर ऐड कर रहे हैं. सो योर ओर गेज ऑन ट्रैवलिंग, बट प्लीज नोट ये जो आपका मिनरल ओर है वो ओर के अंदर क्या है, आपके मेटल ऑक्साइड्स भी है और गैंग भी है. सो अगर इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो ये मैग्नेट के साथ साथ रहेगा और यहाँ पे हीप बनाना शुरू करेगा. इट विल फॉर्म अ हीप ओवर हियर. वेयरएज जो कचरा पार्टिकल्स रहेगा वो ये कन्वेयर बेल्ट के मोमेंटम के साथ आगे गिर के आगे की ओर हीप बनाएगा. सो यू विल गेट टू हीप्स ओवर हियर. द फर्स्ट हीप विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेटिक सेपरेटर विल बी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स
और ये रहेगा ऑफ द ओर पार्टिकल्स. सो वी सी वो हियर एन एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर केस दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं द टिन ओर जिसका नाम है कैसिट्राइट. व्हाट्स द नेम? कैसिट्राइट. नाउ ओ हियर देर आर टू सब्सटेंसेस, वन इज SnO2 एंड वन इज FeWO4. सो मुझे तो चाहिए टिन, टिन है मतलब स्टैनम चाहिए. सो आई वांट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, आई डोंट वांट द FeWO4. ओवर हियर दिस इज द नॉन मैग्नेटिक एंड दिस इज द मैग्नेटिक. सो मेरा ये है वो वाला पार्ट विच इज गैंग फॉर मी एंड दिस इज माई ओर. सो दैट्स हाउ आई यूज मैग्नेटिक सेपरेशन फॉर सेपरेटिंग द ओर दैट इज स्टैनिक ऑक्साइड फ्रॉम फेरस टंगस्टेट. सो फेरस टंगस्टेट दैट इज FeWO4 उसमें से निकल जाएगा और क्या बच जाएगा? SnO2 बच जाएगा. सो दैट्स हाउ वी यूज मैग्नेटिक सेपरेशन. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिक्युलर आंसर इन फ्रोथ फ्लोटेशन बेसिकली प्रेफरेंशियल वेटिंग होता है. सो एक काम करते हैं, हम एक ओर बनाते हैं. दिस इज अ सिंपल ओर फॉर मी. ओके, ये जो ओर दिख रहा है ना, इसमें ये डॉटेड वाला पार्टिकल्स जो है वो गैंग के पार्टिकल्स है और बचा हुआ जो पार्टिकल है वो एक्चुअल ओर है. सो दिस इज जी दैट इज द गैंग एंड दिस इज एक्चुअल ओर. सो यहां पे अपना अपना तरीका है टू गेट वेट. दैट इज व्हाट इज नोन एज द प्रेफरेंशियल वेटिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक का मीनिंग होता है फोबिया, दैट मीन्स फियर. एंड फिलिक का मीनिंग होता है लव, दैट मीन्स इट लव्स वॉटर. So when I try to wet the ore is always going to be getting wet with oil. So यहाँ पे जो wetting होगा वो oil से होता है और यहाँ पे जो wetting होगा वो water से होता है. So what is the conclusion, students? That gang loves water. Hence hydrophilic है gang, hydrophilic है gang. Whereas hydrophobic है ore. हाइड्रोफोबिक है और दैट मीन्स सिंस इट इज हाइड्रोफोबिक हेंस मेटल जो ओर के फॉर्म में है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से वेट नहीं होगा. हेंस वी यूज अ रीजनेबल ऑयल सच एज यूकेलिप्टस ऑयल या फिर पाइन ऑयल. आई कैन यूज यूकेलिप्टस ऑयल या फिर पाइन ऑयल में यूज कर सकता हूं फॉर डूइंग द प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर्स. And this is only used for sulfide ores. ये सिर्फ sulfide ores के लिए use होता है, extensively use होता है for using the froth flotation process. Now basically इसमें होता क्या है, ये बहुत important part था जिसमें हम लोग को मालूम पड़ेगा कि exactly how do we do the functioning of the froth flotation process. वहाँ पे एक बहुत बड़ा tank होता है, it has a very huge tank. In that tank, the mixture is been added and a agitator is going to move inside. Because of this movement, jo water and oil present hai, ek froth banega. Common sense ki baat hai ki oil upar ki or rahega aur water niche ki or hoga. Oil mein or hai aur water mein gang hai. Water mein gang hai. So jo फोम बनेगा, जो फ्रोथ बनेगा उसके साथ साथ फ्रोथ के साथ साथ ओर भी निकाला जाएगा. फ्रोथ के साथ साथ ओर निकाला जाएगा और उसको सेपरेट किया जाएगा, जबकि वाटर के साथ साथ गैंग रहेगा और वो क्या होगा, नीचे की ओर सेटल हो जाएगा. इट विल गेट सेटल्ड डाउन. बाय दैट वी कम टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. नाउ स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं वो कौन से ओर्स में यूज होता है. इट इज बेसिकली यूज इन जिंक सल्फाइड ओर दैट इज जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पाइराइट्स दैट इज सी यू
FeS2 जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायरेट्स के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बिकॉज दोनों के अंदर क्या है सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी लीचिंग. इन लीचिंग प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे सर्टन मेटल्स आर सब्जेक्टेड टू मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स. ये होते हैं NaOH या फिर Na2CO3. सो आई शैल यूज NaOH और एक्वियस सोडियम कार्बोनेट जिसमें कोई ना कोई मेटल का ओर सोल्यूबल रहेगा. बट इसमें कौन सोल्यूबल नहीं होगा गैंग पार्टिकल सोल्यूबल नहीं होगा एंड इट इज इनसोल्यूबल फॉर गैंग. दैट्स हाउ वी यूज द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द मेन ओर. सो अगर मैं ठीक से यूज करूंगा तो लीचिंग प्रोसेस के अंदर सर्टन मेटल ओर्स आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग मिक्स्ड एंड एब्जॉर्ब इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर मिक्सचर बन के आएगा लेकिन उसमें से वही पार्टिकल्स डिजोल्व होंगे और कोई पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होंगे. वेयर एज द गैंग पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व नहीं होंगे तो उसका रिमूवल काफी हद तक ईजी रहेगा. सो स्टूडेंट्स अभी जो हमने देखा है एज पर द प्रोसेस वी आर जस्ट डन विद द फर्स्ट पॉइंट इसलिए मैंने ये साथ में करवाया. सो यू अंडरस्टैंड मेटलर्जी बहुत बड़ा आंसर है अलग अलग आंसर्स होते हैं बट यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. उस पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है ग्रेविटेशन से कैसे कर सकते हैं बाई यूजिंग विल्फ्लिस टेबल दैट इज द पॉइंट नंबर ए और बाई यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम्स. फिर हमने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग. ईच आंसर इज इंडिविजुअल आंसर एंड ईच आंसर इज हैविंग इट्स ओन यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद द गैंग पार्टिकल्स. नाउ बिफोर मूविंग टू केमिकल रिडक्शन एंड रिफाइनिंग प्लीज टेक द नोट्स. सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. बट बिफोर प्रोसीडिंग ओवर हियर we have to understand two more terms that is roasting and calcination. When I say roasting and calcination basically hota kya hai most of the industries are used to use MO aur usme ek koi na koi reducing agent use karke mujhe mera M mil jayega. So mujhe yahan pe mera reducing agent यूज करना है और मुझे मेरा मेटल मिल जाएगा. दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. बट व्हाट इफ आई गेट अ सल्फाइड ओर. अगर मुझे सल्फाइड ओर मिलेगा तो मैं क्या करूं और अगर मुझे कार्बोनेट ओर मिला तो मैं क्या करूं. सो इन केस ऑफ सल्फाइड ओर सच एज जिंक सल्फाइड व्हेन आई गेट दिस पर्टिकुलर जिंक सल्फाइड तो मैं उसका सबसे पहले करूंगा एक्सेस हीट में एक्सेस एयर के अंदर हीटिंग करके उसका ऑक्सीडेशन करके लूंगा. सो ZnS विल देन कंबाइन विद O2 टू गिव मी जिंक ऑक्साइड एंड SO2 गैसेस रिलीज्ड. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स. मैं सल्फाइड ओर को उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा. सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्जन करने के लिए जो प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज रोस्टिंग. सो दिस वाज एन एग्जांपल जिसपे मैंने जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट किया जिंक ऑक्साइड में. इन कार्बोनेट ओर इफ आई कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. सो ये कैसे होगा. So I will be using a simple example of the same zinc carbonate. लेकिन इसको मैं use करूँगा heat करूँगा in limited or no supply of air. जबकि यहाँ पर मैंने use किया था excess supply of air. मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा air contribute किया था. So ज़्यादा oxidation हुआ इसलिए यहाँ पर कोई O2 add नहीं हुआ. मुझे अभी मिलेगा zinc oxide and carbon dioxide gas is released.
So what is the conclusion of this reactions? This reactions concluding that in the first case I am using a reaction to get my zinc oxide, and the second case also I am using a reaction to get my zinc oxide. मतलब simple है, industry में आने वाले कोई भी metal sulfides या फिर metal carbonates को वो कन्वर्ट करेंगे इनटू मेटल ऑक्साइड्स. मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल ऑक्साइड्स को सल्फेट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू मेटल ऑक्साइड्स टू गेट व्हाट करस्पोंडिंग ऑक्साइड्स एंड द फर्दर आंसर्स विल बी कैरीड ऑन. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के भी बारे में जानना चाहिए. सो द जिंक ऑक्साइड विच इज अवेलेबल फ्रॉम दिस प्रोसेस आई विल बी यूजिंग अ सुटेबल एजेंट सच एज कार्बन to give my zinc metal and carbon dioxide gas is released. That means students, a study of a suitable reducing agent is also very very important for the extraction of metals. That is, I will need suitable reducing agents. Okay, so let's see the next point. When I go ahead and proceed with the other reactions, I also understand that if I use MnO2 and मुझे इसमें से अगर manganese चाहिए, then I can also use reactive elements such as aluminium, and I will get my manganese and Al2O3 along with heat over here. So इसका conclusion ये students that I can also use certain elements such as aluminium, I can also use sodium, I can also use calcium over here to do this reaction. That means these are also a very good reducing agents in this particular processes. Now I can also use aluminium, and excess heat release hota hai, isliye usko bolte hai thermit reactions. Here I am using it in the form of Fe2O3 and aluminium, giving me Fe plus Al2O3 and heat, plus Al2O3 and heat. What is the conclusion of these two reactions, students? Okay, I'm using suitable reducing agents to do my processes in which the particular element will be released. मतलब total reduction होके बाहर आएगा और आपको आपका elemental stage पे वो element मिल जाएगा. Plus जो oxygen था वो निकल गया है. So the reaction basically over here is reduction reaction. Now let us check out the balancing part. So over here zinc O. So यहाँ पे O 2 है और यहाँ पे O 3 है. So if I have to balance this particular case, तो मुझे यहाँ पे 2 से multiply करना होगा. So if I multiply this with 2, so ये हो जाएगा 4. तो इसको अगर मैं इधर भी अगर 2 से multiply करूँ, so ये हो जाएगा 2ZNO और ये हो जाएगा 2ZNS. So the problem will be अभी ये 2 हो जाएगा, then मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा. सो इफ यू सी ओवर हियर, ये 2 सल्फर होता है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया. सो ओवर हियर एक चेंज आएगा. सो यू कैन ऑलवेज गो इन स्टेप बाय फॉर्म और आपको वहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बाय दिस वी आर डन विद द बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन. जिंक कार्बोनेट गिविंग यू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. जिंक कार्बन 1 O3 O1 O2 गिव्स मी O3. ZnO plus C gives Zn plus CO2 is यहाँ पे O2 है. सो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये O2 हो गया, तो ये 2 जिंक हो गया. सो जिंक इज नॉट बैलेंस्ड. कार्बन वॉज एनीवेज बैलेंस्ड इन द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ. इन द नेक्स्ट केस इफ यू सी MnO2 और वहां पे Al2O3 है, सो वहां पे 3 होने की वजह से हम लोग इधर सीधा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस बिकम 6. सो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये हो गया 4 और ये हुआ 3. सो दैट्स हाउ योर रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड. इन द सेकेंड केस Fe2O3 वहां पे O3 है, यहाँ पे सिर्फ आपको Fe को 2 करना है और Al को 2 करना है. सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन जिसमें आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करना होगा. सो स्टूडेंट्स विद दिस वी अंडरस्टैंड दैट वी आर यूजिंग द एजेंट्स एंड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. आगे हमको और थोड़े डिटेल आंसर्स करने हैं, उसके पहले नोट्स लीजिए. Now let us try to discuss the extraction of metals which are very very reactive. So abhi humko sirf focus karna hai on extraction point pe,
और उसका ए पॉइंट है ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। सो स्टूडेंट सबसे पहला आता है सोडियम, एंड सोडियम वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड विच इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इसका आंसर आता है, जस्ट फिर भी मैं एक बार आपको आंसर दे देता हूं। NaCl gives Na plus and Cl minus, then we have written anode and cathode. Anode ke paas jayenge Cl minus ions, it will give you Cl 2 plus 2e minus, ye 2, ye hoga Na plus plus e minus giving me sodium. So this is how I get my reaction, and this entire process मैं आपको ये ऐसे लिखना होता है, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर बैलेंसिंग। ये हमने शायद सेकेंड या थर्ड टाइम बोर्ड पे लिखा है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस पार्ट। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड दिस इज नोन एज योर रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। So over here you can see I got sodium deposition at cathode. मुझे cathode पे क्या मिला है? Sodium deposition मिला है. So that was the answer for the electrolysis of NaCl. Now let us try to go to the extraction of aluminium. This is one of the most major answers of this chapter, aluminium extraction. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके ore के बारे में. His ore is known as bauxite. Bauxite has a formula of Al2O3 and two molecules of water. This thing is known as water of crystallization, जो उसके अंदर trapped होता है, उसके formula के अंदर अटका हुआ पानी है। इसके साथ साथ कुछ impurities भी होते हैं students, so I will not just have that ore. मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी मिलेगा, जैसे कि gang, that is SiO2, इसको हम gang बोलते हैं। Plus, I will be having Fe2O3, that is iron oxide, and I will be also having the titanium oxide, that is TiO2. Please note, ये बेकार चीजें नहीं है, but right now I don't need those things. This entire thing is now subjected to the extraction process. ये जो extraction process होगा, वो हम लोग दो parts में पहले divide करेंगे। इसका सबसे पहला मेजर पार्ट होगा ए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। सो स्टूडेंट्स व्हेन आई यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, मेरे पास दो आंसर्स इसमें अवेलेबल है, वन इज द बेयर्स प्रोसेस एंड वन इज द हॉल्स प्रोसेस। सो इसके अंदर आएगा ए पॉइंट वन, दैट इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस, and one will be your A.2, that will be your Hall's process. So if I try to understand Bayer's process, isme kya hota hai, the only thing different is the reagents what I'm using. Basically yaha pe bauxite, here bauxite will be mixed with NaOH. So what happens is NaOH has got different answers. Yaha pe SiO2 dissolved होता है, it is dissolved with NaOH, whereas Fe2O3 is insoluble, so वो foreign particles के form में रहता है along with TiO2, whereas Al2O3 and two molecules of water reaction करते हैं। so if you see NaOH what I have added is having different features with different constituents of the bauxite ore. So ultimately मुझे सब नहीं लिखना, मुझे सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखना है, दैट इज Al2O3 डॉट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस NaOH विल गिव मी NaAlO2, जिसको बोलते हैं NaLO2, ऐसे याद रखिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, प्लस मुझे मिलेगा H2O. What has happened over here is also known as leaching process. This is also known as leaching process, जो अभी हमने जस्ट स्टडी की है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट. दिस कंपाउंड इज नोन एज
सोडियम एल्यूमिनेट. द सोडियम एल्यूमिनेट का आगे जाके हम लोग रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ. सो एन ए ए एल ओ टू विल फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू गिव मी एन ए ओ एच एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एन ए ओ एच एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो स्टूडेंट्स इफ यू सी केयरफुली मुझे एन ए ओ एच वापस मिला है. इस एन ए ओ एच में डिजोल्व है एस आई ओ टू. प्लीज नोट मैं क्या बोल रहा हूँ. एन ए ओ एच इज ऑल्सो हैविंग डिजोल्व एस आई ओ टू. सो आई विल स्क्रैप दिस आउट. एंड एफ ई टू ओ थ्री विच इज इनसोल्यूबल आर द फॉरेन पार्टिकल्स विच आर विजिबल. सो दे आर ऑल्सो फिल्टर्ड आउट. सो वॉट इज लेफ्ट इज द ओनली ए एल ओ एच थ्री जिसका आगे जाके हम और रिएक्शन करके ए एल टू ओ थ्री में कन्वर्ट करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल देंगे. सो इफ यू सी केयरफुली एस आई ओ टू स्मार्टली हमने निकाल दिया. एफ ई टू ओ थ्री एंड टी आई ओ टू इनसोल्यूबल थे उनको भी हमने स्मार्टली निकाल दिया. सो बच क्या गया ए एल टू ओ थ्री एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो इसमें ट्रैप्ड है. इसका आगे जाके रिएक्शन होकर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी हट जाएंगे एंड यू विल बी हैविंग ओनली ए एल टू ओ थ्री. सो बेसिकली इसको हीट करने के बाद यू विल बी गेटिंग ए एल टू ओ थ्री. नाउ द पेंडिंग पार्ट इज द बैलेंसिंग पार्ट. सो इफ यू सी ओवर हियर यहाँ पे एल्यूमिनियम टू है. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद टू. सोडियम भी 2 हुआ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. 2 हाइड्रोजन एंड 2 दैट मेक्स इट 4. ओवर हियर इट इज 2. सो आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 2. हाइड्रोजन इज बैलेंस. नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन 2 एंड 4. सो दैट गोज टू 6. एंड ओवर हियर इट इज 2 एंड 2. सो दैट मेक्स 4 एंड 3 7. सो यहाँ पे है 4 एंड टू 6. तो उसको हम चेंज करेंगे. सो हम 2 को थोड़ा बड़ा के करते हैं 3. सो वॉट इज गोइंग टू हैपन टू द 3. नाउ द हाइड्रोजन सीम्स टू बी थोड़ा सा बैलेंस हुआ के चेक करते हैं. दिस इज 4 एंड दिस इज 2 दैट गोज 6 एंड 3 टू 6 वो भी बैलेंस हो गया. एंड 3 ऑक्सीजन ओवर हियर एंड 4 दैट 7 वो भी बैलेंस हो गया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन. इसमें एन ए वन है, एन ए वन है, ए एल वन है, ए एल वन है, H2 है, यहाँ पे H3 और 2. दैट मीन्स वहाँ पे हमको मिल रहे हैं 4 हाइड्रोजन्स. तो मुझे इधर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे O2 है एंड 2 ऑक्सीजन दैट इज 4 ऑक्सीजन्स. ओवर हियर इट इज 1 ऑक्सीजन एंड 3 दैट गोज टू 4 ऑक्सीजन्स. सो ओवर हियर इफ यू सी द रिएक्शंस आर बैलेंस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू द हॉल्स प्रोसेस. जैसे यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नाउ वी आर गोइंग टू डू लीचिंग प्रोसेस विद सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3. सो बेसिकली द ओनली चेंज विल बी NaOH. सो लेट अस स्टार्ट. Al2O3 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल फर्दर रिएक्ट विद Na2CO3. इट विल रिएक्ट विद Na2CO3. Now what is the product that you are expecting is the same product जो मैंने आपको पहले ही बोला. Reactions almost same है. NaAlO2. The name is written over here, that is sodium aluminate. I will just get more products over here because of C. CO2 extra add होगा और H2O वैसा का वैसा ही आएगा. C की वजह से CO2 आएगा. So that's the first step जो मुझे मिलता है, जिसमें मुझे NaAlO2 मिलता है. अगेन मैं NaAlO2 का यही जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, दिस प्रोडक्ट्स आई विल बी यूजिंग एज रिएक्टेंट्स. सो द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2O. नाउ इट इज गोइंग टू गिव मी अनदर सब्सटेंस. यहाँ पे मुझे बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है. इट बेसिकली गिव्स मी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड आई गेट माई Na2CO3 बैक. सो इफ यू सी केयरफुली यहाँ पे जो रिएक्शन था, वी गॉट प्रोडक्ट्स, दे वेर द रिएक्टेंट्स. वी गॉट अ रिएक्शन विद अ CO2 एक्स्ट्रा. प्रोडक्ट्स आर द रिएक्टेंट्स. वी गॉट NaOH विच वी यूज्ड ओवर हियर बैक एंड AlOH3. वी गॉट Na2CO3 बैक एंड AlOH3 ओवर हियर. सो मोर ऑर लेस द पैटर्न ऑफ द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम. अभी सिर्फ एक ही रिएक्शन पेंडिंग है जो दोनों के साथ मैं कॉमनली करूंगा, बिकॉज दोनों के पास क्या आ चुका है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ चुका है. सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक ही रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. उसको हम एक्चुअली बहुत अच्छे से हीट करते हैं एंड वी गेट Al2O3 एंड वाटर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. सो इसलिए मैंने सिर्फ इधर ही एरो डाला है, बाकी मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया आपको. सो ओवर हियर कैन यू सी अवर मेन कंसर्न वॉज टू फाइंड Al2O3. डिड यू सी Al2O3 फाइनली मिल गया. सो देर आर टू ऑप्शन अवेलेबल, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस. एज यूजल हमें इसका भी बैलेंसिंग करना है. सो इफ यू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, लेट अस स्टार्ट विद द Na. सो यहाँ पे Na2 है
एल टू अपने बैलेंस हो गया. इफ यू सी कार्बन, कार्बन एक है, ओ टू एंड हाइड्रोजन टू, मतलब यहाँ पे टू हाइड्रोजन की वजह से ये टू हो जाएगा. सो टू ऑक्सीजन फोर एंड फोर दैट इज एट, थ्री एंड दिस इज टू, सो यहाँ पे है सेवन एंड दिस इज, सो दिस इज फाइव एंड थ्री एट, सो दिस इज एट बैलेंस्ड. सो स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नाउ बैलेंस्ड. थोड़ा ठीक से लिख देते हैं उसको. ओके सो नाउ ओवर हियर इट इज द सेकेंड रिएक्शन केस. यहाँ पे एन ए टू दिख रहा है, सो आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है. दिस इज टू एन ए एल, सो अगर मैंने टू एन ए एल को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे सर्टनली एल्यूमिनियम को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट अस सी नाउ द हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड और नॉट. सो नहीं, यहाँ पे हो गया है टू थ्री जा सिक्स, सो मुझे एच टू ओ को थ्री से बैलेंस करना होगा. सो मैंने थ्री से बैलेंस कर दिया तो हाइड्रोजन इज गॉट बैलेंस्ड. लेट अस सी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, फोर टू सिक्स एंड थ्री, दैट्स नाइन. Over here it is 2, 3 is 6 and 3, 9. So this reaction is now balanced. Over here alumina jo milta hai, this is known as alumina. Aur ye jo alumina mila hai, it is in the form of precipitate. Thoda detailing karte hai students, jo yaha pe first reaction tha, ye wala reaction, waha pe hum log temperature use karenge in the range of 140 degree Celsius to 150 degree Celsius. Aur yaha pe hoga around 1000 degree Celsius. So if you see over here carefully that these reactions are almost very easy to learn. Apna sirf last reaction ka balancing thoda pending hai, wo khatam kar dete hai. So this is 2 aluminium, oxygen 2 and 3 6, yaha pe 3 hai, so H ko 2 3 6, so yaha pe 3 se multiply karna hai. So hydrogen is H ka 3 2 6, yaha pe H ka 3 2 6 aur ye O3 6 hota hai, so 6. That's how the reactions are balanced. Please note, अभी तक ये आंसर खत्म नहीं हुआ है. ये individual questions भी आ सकते हैं for 4-4 marks या 3-3 marks के लिए भी आ सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ check किया है how to do concentration of bauxite by using Bayer's and Hall's process. Very easy reactions. Now let us move to the next part, that is the electrolysis. But before that, please take the notes. So students, जो अभी aluminium hydroxide form हुआ था, so that is very very important for the further reactions. So हम लोग क्या करते हैं, the precipitate what we got of aluminium hydroxide को हम heat करेंगे to get us the alumina and steam is forwarded out. इसको हम 1000 degrees तक heat करेंगे. Please remember, aluminium hydroxide was obtained as a precipitated. So when I start balancing this particular reaction, so ये balance होगा ऐसे, यहाँ पे मैं 2 aluminium कर देता हूँ, so oxygen 2 हो गया है, यहाँ पे oxygen 3 और 2 है, so this is 6, तो मैं इसको 3 से multiply करूँगा, तो the reaction goes on balanced. So the right now the reaction is balanced, और मेरे पास finally मेरा product आ चुका है, that is alumina. So now students, अपना एक answer खत्म हो गया, that was the concentration of ore, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द रिडक्शन पार्ट. सो हम लोग अभी जाने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना पे बाय डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस. सो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन व्हेन आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ यूनिक अपैरेटस which is having a steel tank it has a layer of graphite. That layer of graphite is going to act as a very important part, that is your cathode. Whereas there will be carbon rods which are immersed in the solution. जो हम solution लेंगे उसमें वो क्या रहेंगे, immersed रहेंगे, मतलब डूबे हुए रहेंगे. सो मैंने यहाँ पे कुछ रॉड्स बना दिए,
these are your carbon rods, and they are going to serve as anode. Well, ये solution क्या है? So right now the solution is Al2O3. Al2O3 का अगर मैं electrolysis करूँगा, then the melting temperature is very very high. That is, it is more than 2000 degree Celsius. वो इतना ज़्यादा है. It is more than 2000 degree Celsius. That means I cannot afford it. मतलब industries के लिए कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा. Hence I add some compounds over here. That is Na3AlF6. That is cryolite and fluorspar. That is CaF2. मैं क्या add करता हूँ इसमें? Cryolite and fluorspar. When I add these two compounds, so this is gonna be my mixture which is going to act as electrolyte. Because मुझे labeling करानी है, so मुझे पहले आपको mixture बताना बहुत जरूरी था. So let us start now the labeling part. So this becomes my, this is going to act as my cathode. These are the anodes. This is my solution and this is my tank. This is the outlet. That is the electric circuit. We'll just put it as electric circuit now. And let us erase the extra part. So, जो बचे हुए part में अपने को अपना labeling लिखना है, we have to just write the labeling parts. So, let us start with the first one. This is your electric circuit. This is my cathode. These are my anodes. Cathode is made up of graphite. This is the allotropic form of carbon. और यहाँ पे है सिर्फ कार्बन रॉड्स. सो दीज आर कार्बन रॉड्स. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ Al2O3 प्लस Na3AlF6 एंड CaF2, दैट इज फ्लोरस्पर. दिस इज माय टैंक व्हिच इज मेड अप ऑफ स्टील. ओके, नाउ दिस इज द आउटलेट for molten aluminium, for molten aluminium. So these are my labeling students. That's how I will be having my particular diagram ready. Now मुझे एक हो गया construction part, एक हो गया मैं उसमें क्या क्या add करता हूँ और क्यों add करता हूँ. Now let us try to understand how do I get the extraction. So this is also known as the electrolytic reduction. Of alumina. So basically Al2O3 decomposes into Al and O. So please pay attention. Al को मैं plus लिखूंगा और O को मैं minus लिखूंगा. फिर मैं इसका charge इसको दूंगा. So this becomes Al3 plus and O को दूंगा minus 2. इसका इसको, इसका उसको, वो हो गया. और अभी reaction में दो aluminium थे इसलिए मैंने 2 लिखा, और तीन ऑक्सीजन थे इसलिए तीन लिखा. देन आई राइट माई नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एनोड एंड कैथोड. मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है, एनोड एंड कैथोड लिखना है. यहां पे लिखना है ऑक्सीडेशन, यहां पे लिखना है रिडक्शन. सो लेट अस सी, एनायंस गो टुवर्ड्स एनोड. सो यहां पे आने वाला है ओ टू माइनस और यहां पे आने वाले है ए एल थ्री प्लस. Certainly O2 minus will be giving you O2 और यहाँ पे मिलने वाला है अपने को aluminium. But we know oxidation. That's the reason students concepts से study कीजिए, don't do रट्टेबाजी. So यहाँ पे अगर हम anode को oxidation करेंगे तो loss of electrons होगा. So यहाँ पे दो electrons extra है. So मैं 2e minus लिख देता हूँ. ये 3 electrons खाने के बाद aluminium देगा, that is gain of electrons. So we can also do balancing for this particular case because यहाँ पे O2 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. आई मल्टीप्लाइड बाय 2 और दिस बिकम्स 2 टूज ऑफ 4. हेंस ये 2 हटके इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स आता है. इन दिस पर्टिकुलर केस वी डोंट नीड टू डू एनी बैलेंसिंग बिकॉज Al3 plus 3e minus इज गिविंग यू Al, दैट इज फाइनली सफिशिएंट. ओवर हियर द ओनली थिंग इज एल्यूमिनियम इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर अपैरेटस. वेयर एज पॉइंट टू बी नोटेड इज O2 gas is liberated
at anode, and anode is made up of carbon. That means time to time एनोड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और CO2 बनेगा. दैट मीन्स एनोड साइज विल डिक्रीज. वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज उसका क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन होके CO2 बन रहा है. सो दैट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड कार्बन इज गेटिंग वेस्टेड ओवर हियर. सो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि भाई आपके एनोड ठीक से इंटैक्ट है या नहीं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. सो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज टेक द नोट्स. फिर हमको डिस्कस करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स. सो वी आर सीन सम रिएक्टिव मेटल्स. अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स. सो जो टेबल के सबसे रिएक्टिविटी सीरीज के टेबल के सबसे नीचे है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, दे आर लेस इन रिएक्शंस. तो वो लोग नेचर में नॉर्मली फ्री स्टेट में मिल जाते हैं. दे आर अवेलेबल इन द फ्री स्टेट इन द नेचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर. अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर इज मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ Cu2S. ये जो Cu2S होता है, ये जो पर्टिकुलर कॉपर सल्फाइड है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसके रिएक्शन में हम लोग O2 से रिएक्ट करेंगे. सो Cu2S रिएक्ट्स विद O2. सो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू एड O over here and remove the S from there. So Cu2 and O will give me Cu2O and SO2. SO2 gas will be released. ये हो गया उसका first step. ये हो गया उसका first step. अगर मैं Cu2O को और एक बार react कराऊँ with a proper substance such as Cu2S, then I will be getting copper and sulfur dioxide. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टू रिएक्शंस आई अंडरस्टैंड, पहले मैं वो ओर को लूंगा, O2 के साथ रिएक्ट करा के उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर से उसको उसके साथ रिएक्ट करा के कॉपर मेटल में कन्वर्ट कराऊंगा. सो व्हाट इज माय मेजर कंसर्न ओवर हियर, टू गेट माय कॉपर मेटल फ्रॉम द पर्टिकुलर ओर Cu2S. सो कन्वर्ट किया, उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया और उस ऑक्साइड को वापस रिएक्ट करा के मैंने कॉपर मेटल निकलवाया. सो इसको हम अभी थोड़ा बैलेंसिंग के फॉर्म में देख लेते हैं. Cu2 इज ऑलरेडी बैलेंस, S इज बैलेंस, O2 है यहाँ पे, O2 और O makes it O3. सो आई हैव टू बैलेंस आइदर दी ओ और दिस SO2 साइड और दिस साइड. तो कहीं भी करो, आपको इधर तो चेंज करना ही है. सो इफ आई डू दिस विद 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 एंड 2, दैट इज 4. सो दिस बिकम्स 2O2. सो वॉट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ये जो 2 हो गया है तो उसको चेंज करने के चक्कर में मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा. अभी 2 सल्फर हो गया तो मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा. अभी कॉपर एंड सल्फर इज लुकिंग बैलेंस बट ऑक्सीजन इम्बैलेंस में रहेगा. सो ये हो गया 4 एंड 2 6. तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है विद 3. इन द सेकेंड केस इफ यू सी, कॉपर यहाँ पे 4 है तो मैं पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सल्फर 1 है और O2 है. सो ओवर हियर इट इज O1. सो आई टू अगेन डू अ बैलेंसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. तो मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हैव यू ऑफन सीन ऑक्सीजन की वजह से काफी बार बैलेंसिंग थोड़ा सा आपको वापस करना पड़ सकता है. सो नाउ इट हैज बिकम 4. तो इधर तो पहले से ही है और ये 2, मतलब ये हो गया 6. सल्फर इज ऑलरेडी बैलेंस, कॉपर बैलेंस हो गया. तो सिर्फ अब मुझे 4 का 6 करना पड़ा, दैट अदरवाइज द रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड. हम लोग एक और एक रिएक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स. हम लोग बात करेंगे मर्क्यूरी की. कॉपर की बात तो हम लोग कर चुके हैं. मर्क्यूरी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर नोन एज सिनाबार. दिस पर्टिकुलर ओर हैज अ फॉर्मूला ऑफ HgS. इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, HgS. मुझे इसको रिएक्ट कराना है. HgS विल बी रिएक्टिंग विद O2 टू गिव मी Hg+SO2. दिस इज द रिएक्शन बाय विच आई विल बी गेटिंग माय मर्क्यूरी फ्रॉम द HgS, दैट इज सिनाबार ओर.
So with this, we are done with the discussion of the less reactive metals. We have to discuss the refining of metals, that is the corrosion and all. But before that, please take the notes. So the extraction part is done. But what happens, students, is अभी देखो हमने धीरे-धीरे सब metal के form में ला लिया. लेकिन यहाँ पे जो आने वाला metal होता है, this metal often has lots of impurities. It has lots of impurities. So I had already told you the removal of impurities is the next step, that is known as refining. It is known as refining. That is removal of impurities. Some basic methods are available over here. One of them commonly used is electrolysis, जो हमने ये टॉपिक में और केमिस्ट्री में काफी बार डिस्कस किया है. सेकेंड इज क्रोमेटोग्राफी. बोलिंग एंड सो ऑन. देयर आर मेनी प्रोसेसेस अवेलेबल जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को ठीकली रिमूव करके, प्रॉपरली रिमूव करके हम लोग मेटल को अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं. सो दैट इज अ मेजर कंसर्न. दैट्स ऑल विद द डिस्कशन ऑफ मेटलर्जी. मतलब मेटलर्जी का मेजर चंक खत्म हो गया है. नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट आंसर, दैट इज अबाउट करोजन और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स. सो बिफोर डिस्कसिंग दैट, प्लीज टेक द नोट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग मेटलर्जी, वी आर लेफ्ट आउट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बट हैड टोल्ड यू, दैट इज करोजन. सो अभी हम लोग करोजन की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो दिस इज नथिंग बट करोजन कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ हो सकता है. बेसिकली ये मेटल्स का यूज प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. सो देयर सर्फेसिस कीप्स ऑन रिएक्टिंग एंड दैट सर्फेसिस जो रिएक्ट होते हैं उनके हम लोग कुछ टेबुलर फॉर्मेट में आंसर्स बनाएंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं आयन. इट रिएक्ट्स विद एटमोसफियर. आयन का सर्फेस रिएक्ट्स विद एटमोसफियर टू फॉर्म रस्ट विच इज Fe2O3 एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसका कलर होता है रेडिश कलर एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली मेनली नोन एज करोजन एंड दिस इज नोन एज रस्ट. इसको हम बोलते हैं रस्ट. ये है अपना मेजर प्रॉब्लम, फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम. अगर मैं सेकेंड प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉपर मेटल की. कॉपर मेटल ऑल्सो ट्राइज टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है इट फॉर्म्स अ यूनिक सब्सटेंस ऑफ CuCO3. ये वाला सब्सटेंस फॉर्म करता है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट. जैसे ही ये सब्सटेंस बनता है इट स्टार्ट्स गेटिंग अ ग्रीनिश कलर. जैसे ऊपर रेड कलर था, यहाँ पे ग्रीन कलर का डिपोजिशन होता है. सो दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज, द फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज पैटिनेशन. सो अगेन अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू नो सम लेजेंडरी थिंग्स सच एज द लिबर्टी स्टैच्यू. तो यहाँ पे जो कॉपर का डिपोजिशन होने की वजह से, कॉपर कार्बोनेट का डिपोजिशन होने की वजह से जो ग्रीनिश कलर आएगा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करोजन. फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की. यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करते हैं. एल्यूमिनियम स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना शुरू करता है एंड दिस पर्टिकुलर डिपोजिशन ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर द एल्यूमिनियम मेटल. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक इज ऑफ द very important metal, precious metal, that is silver. Silver tries to react with H2S, that is hydrogen sulfide gas in the nature and gives me a black color substance. A black color substance is formed which is of formula Ag2S. So with this we understand students, a tabular formula मैं आपको बना के दिया है. इससे मुझे ये पता चलता है कि कौन सा मेटल क्या करता है, कौन सा फॉर्मूला बनाता है एंड हाउ व्हाट कलर डज इट एग्जिबिट. सो दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स व्हाट आई हैव विद करोजन. सो व्हाट आर द प्रिवेंशन अवेलेबल. अगर इतना सारा लॉस हो रहा है देन व्हाट इज द प्रिवेंशन अवेलेबल. फर्स्ट प्रिवेंशन इज द ऑर्डिनरी प्रिवेंशन व्हाट आई कैन टॉक अबाउट एंड दैट इज सिंपली डूइंग अ कोटिंग ऑफ अ मेटल. Second is painting, applying oil या फिर applying grease. ये कुछ भी अगर आप apply करते हो students, so all these are going to cut the metal. वो metal को cut करेगा, cut the metal surface from exposure. It will no longer be exposed to atmosphere. वो एटमोसफियर को एक्सपोज्ड
नहीं होगा, अगर वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं रहेगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू गेट करोडेड. सो दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट्री मेथड्स, बट इट इज नॉट ऑफन इफेक्टिव. अगर वहां पे कुछ भी तरीके का कोलिजन होगा या फिर एब्रेशन होगा, तो ये डेफिनेटली कोटिंग या फिर पेंटिंग जो भी आपने किया है वो निकलना शुरू होगा. सो आई नीड सम कॉन्क्रीट मेथड्स, अ बेटर मेथड टू डू prevention of corrosion. So some better methods to do prevention of corrosion, one of them is galvanization. In galvanization I will be using zinc metal which is more reactive. So main zinc metal jiske comparison mein zyada reactive hai main uska coat dunga. Ye zyada zinc should be more reactive than the पेरेंट एलिमेंट. इससे क्या होगा, जिंक विल फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा. दैट मींस जिंक का ऑक्सीडेशन होके जिंक निकल जाएगा, जिंक निकलने के बाद वापस आपका मेटल क्या होगा, ओपन हो गया और उसका वापस क्या होगा, रस्टिंग चालू हो जाएगा. सो वन ऑफ द मेथड कॉमनली यूज इज गैल्वेनाइजेशन. सेकेंड मेथड कॉमनली यूज इज टीनिंग. इन टीनिंग स्टूडेंट, जैसे कि नाम टीन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं टीन का लेयर बनाऊंगा, आई विल बी अप्लाइंग द टीन मेटल कोट. अगेन द प्रॉब्लम ओवर हियर इज सिंपल, जब मैं टीन के कोट मारता हूं किसी भी अलग मेटल के ऊपर, तो हम उसको एक यूनिक वर्ड से बुलाते हैं, दैट इज कलहई, दैट इज के ए एल एच ए डबल ई, कलहई नाम से उसको हम फेमसली जानते हैं, कॉमनली जानते हैं. ये जो कोटिंग होती है ये भी टेम्पररी ही होती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है दैट वंस इट इज एक्सपोज्ड, वो जो उसका ग्रीनिश कलर आना शुरू हो जाता है, जो भी आप उसमें सामान रखोगे, जो भी आप उसमें फूड स्टफ रखोगे, वो जल्दी से जल्दी और जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली मोल्टन टीन के जो हम लेयर्स मारते हैं यूटेंसिल्स पे या फिर सब्सटेंसेस पे, वो एक हद तक टीन से भी बचाए जा सकते हैं. Now student, so the tinning is much more effective on the copper or brass vessels. So in vessels के ऊपर इसका effect ज़्यादा होता है. So whenever you apply this particular coating, वो काफ़ी हद तक preventive होता है. It protects your food stuff from getting damaged. So students, मुझे और भी कुछ discuss करना है. Some more notes has to be discussed. But before going there, please take these notes. So now let us discuss the pending processes जो available है to avoid corrosion. One of them is anodization. So यहाँ पे जो metals हमको check करने हैं such as copper, aluminium, ये वो metals हैं जिसको हम subject करेंगे to electrolysis. So electrolysis अगर होता है students, so यहाँ पे जो metal होगा, that metal will get nice coating of its respective oxide. That means पूरा अच्छे से coating होगा, हर एक pin point में जाके, हर एक depth cavity पे जाके वहाँ पे coating होगा. So it is most preferred method, that is anodization. In this the copper and aluminium what we are using will be acting as, ये लोग act करेंगे as anode, ये लोग act करेंगे as anode and a thick layer is formed. And a thick layer is formed on this particular metals. So ये जो thick layer हुआ है, इसका reason है ये जो process किया electrolysis, इससे एक चीज होगा, there will be no action of water or oxygen or even any moisture on the surfaces of copper and aluminium. That means there will be no further oxidation. There will be no further oxidation. So students, what is the conclusion of this? That एनोडाइजेशन वी कॉमनली आर यूजिंग इट इन अवर रेगुलर लाइफ, बस हमको पता नहीं था कि हम एग्जैक्टली क्यों वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ करते रहते हैं. द नेक्स्ट वन इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन द ज्वेलरी डिजाइनिंग पैटर्न्स, जो आपको थोड़े चीप लेवल के जो ज्वेल्स पार्ट मिलते हैं, जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाए जाते हैं. In this, the major concept over here is a less reactive but precious metal, जैसे कि आप बात कर सकते हैं gold, silver की, they are coated on more reactive metals.
सो मोर रिएक्टिव मेटल्स नॉर्मली बहुत चीप होते हैं कंपेयर टू द प्रेशियस मेटल्स, ये कुछ भी हो सकता है. सो वो एक काम करेगा, ही विल बी एक्टिंग एज द बेस, ही विल बी एक्टिंग एज द बेस, जहां पे ही विल बी द बेस मेटल जहां पे कोट आएगा. सो इसके ऊपर कोट आने के बाद, एक टेम्पररी कोट आने के बाद, इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम करोजन एंड ऑल्सो मेकिंग इट एट द सेम टाइम वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू बी सोल्ड. सो द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली, दैट इज एलॉयिंग. एलॉयिंग को डिफाइन करने के लिए, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ a metal and a metal or a metal and a non-metal. So ये उसका mixture होता है जिससे हमको मिलता है एक चीज known as alloy, because alloying is the most preferred and the most effective method. Some of the alloys हम यहाँ पे discuss करेंगे. For example, ब्रॉन्ज की बात करते हैं. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉमनली यूज फॉर एजेस इन द ह्यूमन हिस्ट्री. लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली कौन सा मेटल है? सो इट बेसिकली कंटेन्स कॉपर एंड इट ऑल्सो कंटेन्स टिन. सो डिड यू सी अ मेटल एंड अ मेटल, अ कॉपर एंड टिन आर यूज. इसमें 90% कॉपर होता है एंड 10% टिन होता है, दैट इज टैनम, दैट इज एसएन. द सेकेंड एग्जाम्पल ओवर हियर इज स्टेनलेस स्टील. सो एज द नेम सजेस्ट, इस पर कोई स्टेन्स नहीं आएंगे. सो किसी भी तरीके का अगर आप वाटर ऑक्सीडेशन कुछ भी करने की कोशिश करें तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पर्पज ऑफ आयन. आयन का सबसे मेजर यूज इसमें होता है. सो आयन का इसमें प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा भी होता है, अबाउट 74%. द नेक्स्ट एलिमेंट ओवर हियर विल बी क्रोमियम, विच इज अबाउट 18%, and carbon is about 8%. So can you see here metal, metal and a non-metal is used. So again, a homogeneous mixture of a metal and a metal or a metal and non-metal is giving you an alloy such as stainless steel. There are some more alloys I want to discuss with you. One of them is silver amalgam. When I write this word on the discussion board, एमलगम मुझे समझ में नहीं आया, सिल्वर सब मुझे पता है, तो मैं और एक लेता हूं, दैट इज द गोल्ड एमलगम. बेसिकली इन दोनों के अंदर मर्क्यूरी यूज किया जाता है एज वेल एज विद देयर सिल्वर एंड गोल्ड टू गिव मी दिस पर्टिकुलर एलॉय. जो सिल्वर एमलगम होता है, इट वॉज यूज एंड स्टिल यूज बाय सम डेंटिस्ट, वेर एज द गोल्ड एमलगम इज वाइडली यूज फॉर extraction of gold. So gold ke extraction mein kaam aane wali ye bahut important cheez hai. So can you understand from this students ki hum log ke liye metallurgy wale topic mein ek major part tha metallurgy, that is the extraction process, but uske baad bhi kafi sare processes karne padte hai to prevent them from loss, that is corrosion. So we had done over here lot of discussion and I hope you enjoyed it. Please take the notes. So students, we are done with discussing the major part of this topic, that is the corrosion, in which we are trying to understand how to prevent this particular useful elements, useful metals from getting corroded and getting wasted. We have discussed all those parameters. I hope you have enjoyed it. Please take the notes and thank you.